दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो अक्सर ये गाते हैं कि इंसान का इंसान से हो भाईचारा, क्या उन्होंने अब भ्रष्टाचार से भाईचारा कर लिया है? ये सवाल खुद अरविंद केजरीवाल के बयान पूछ रहे हैं, क्योंकि अपने वादों पर यू टर्न के लिए मशहूर अरविंद केजरीवाल ने एक लिस्ट जारी की थी। उसमें कई नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे और कहा था कि ऐसे नेताओं को बेनकाब करूंगा, लेकिन 5 साल के बाद उन्हीं में से कुछ नेताओं के साथ अरविंद केजरीवाल मंच साझा कर रहे हैं जिन्हें वो भ्रष्टाचारी बता रहे थे। 19 जनवरी को कोलकाता में ममता बनर्जी की जो रैली हुई उसमें अरविंद केजरीवाल ने कई ऐसे नेताओं के साथ हाथ मिलाया, उनसे बातचीत की जिन्हें वो पहले भ्रष्ट कहा करते थे। इसीलिए अब सवाल पूछा जा रहा है कि केजरीवाल के दावों का आखिर क्या हुआ? क्या सत्ता के लिए अरविंद केजरीवाल अपने संस्कार भूल गए हैं? इस वक्त की बड़ी बहस इसी सवाल पर कि क्या ईमानदार राजनीति पर अरविंद केजरीवाल ने झाड़ू चला दी? तो ईमानदार राजनीति पर अब केजरीवाल ने क्या झाड़ू चला दी है, यही सवाल खड़ा हो रहा है। और भी कई सवाल जो बड़ी बहस में आज हम उठाएंगे इस चर्चा में। सवाल ये कि केजरीवाल को क्या अब भ्रष्ट नेता मंजूर हो गए हैं जो पहले नामंजूर थे? क्या सत्ता के लिए भ्रष्टाचार का जहर पीने को भी अरविंद केजरीवाल तैयार हो गए हैं? सवाल ये भी उठाएंगे कि 2019 के चुनाव में सियासत के नीलकंठ बनेंगे केजरीवाल? मौका देखकर बदल जाती है क्या केजरीवाल की ईमानदारी? ये सवाल भी आज इस बहस में हम उठाएंगे इस शो में, क्योंकि सवाल अरविंद केजरीवाल को लेकर उठ रहा है। यूटर्न लगातार वो लेते हैं कई मुद्दों पर, लेकिन अब भ्रष्ट नेताओं को लेकर भी क्या उन्होंने यूटर्न ले लिया है? हमारे साथ एक पूरा पैनल खास मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए जुड़ा हुआ है। एक एक करके मैं आपका आपसे परिचय कराती हूँ। आशुतोष मिश्रा पॉलिटिकल एनालिस्ट मेरे साथ जुड़ रहे हैं इस चर्चा में शामिल होने के लिए। इसके साथ ही राजीव रंजन स्पोक्स पर्सन है जेडीयू के, मेरे साथ जुड़ रहे हैं। समाजवादी पार्टी की तरफ से अनुराग भदौरिया भी हमारे साथ हैं। इसके अलावा टीआर रामचंद्रन जी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, मेरे साथ यहां स्टूडियो में मौजूद हैं। रवि श्रीवास्तव आम आदमी पार्टी के सपोर्टर हैं और वो सवालों का जवाब देंगे आखिर आम आदमी पार्टी को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं। साथ ही प्रेम शुक्ला स्पोक्स पर्सन है बीजेपी के, ये भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। आप सभी खास मेहमानों का बहुत स्वागत है। शुरुआत सबसे पहले रवि श्रीवास्तव मैं आप ही के पास आना चाहूंगी, चूंकि आप पार्टी के समर्थक हैं। ये बताइए कि यूटर्न आखिर क्यों बार बार ले लेते हैं? जिन भ्रष्ट नेताओं के एक एक करके नाम गिना रहे थे अरविंद केजरीवाल, आज उन्हीं से गलबहियां कर रहे हैं, उन्हीं के साथ मंच साझा करके कह रहे हैं कि 2019 जीतेंगे। देखिए शिरीन जी, जो बात आप कह रही हैं कि वो हर बात में यू टर्न लेते हैं या डब्ल्यू टर्न लेते हैं, मेरे ख्याल से वो उचित नहीं है। कारण क्या है कि ये सब चीजें जो है वो समय के हिसाब से बदलती हैं। एक सवाल का जवाब मेरे दीजिए आप कि उन्होंने अगर कई नेताओं को भ्रष्ट उन्होंने बताया था अगर 5 साल पहले, तो इस देश की सरकार ने उन भ्रष्ट नेताओं के खिलाफ क्या किया? सरकार ने उनके खिलाफ कोई जांच करवाई? सरकार ने उनके खिलाफ कोई इंक्वायरी उठाई? सरकार ने इस पर तो बात ही नहीं हो रही है, इस पर तो बात ही नहीं हो रही है सर। मैं तो अरविंद केजरीवाल के उस बयान पर शुरुआत में अगर सुना होगा आपने, तो आपने सुना होगा पूरी बाइट चलवाई थी हमने, और उस पूरे बयान में वो ये कह रहे थे कि करके नाम उन्होंने गिनवाया, जिसमें राहुल गांधी का नाम उन्होंने लिया, फारूक अब्दुल्ला का नाम उन्होंने लिया, मुलायम सिंह और अखिलेश यादव वहां पर मौजूद थे, ऐसे कई नेता, खुद फारूक अब्दुल्ला वहां पर मौजूद थे। आपका ज्ञान बढ़ाने के लिए मैं बोल दूं कि उन्होंने पार्टी बनाने से पहले तो कांग्रेस के 15 उच्च नेताओं के खिलाफ पूरी एक चार्जशीट दाखिल करी दी। ऐसा नहीं है कि उन्होंने किसी को, और फिर उन्हीं के साथ मिलकर सरकार भी बना ली, भ्रष्ट है उसके खिलाफ उन्हीं के साथ मिलकर सरकार भी बनाई थी ना? बिल्कुल, एक मिनट, उन्होंने सरकार बनाई मगर उसके लिए उन्होंने बाद में पछतावा दिखाया कि मैंने ये गलती की, और उसके बाद से आज तक अरविंद केजरीवाल ने किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ कोई गठबंधन, कोई समझौता, कोई अलायंस ना राज्य में और ना राज्य के बाहर कहीं भी किया है। तो ये आप नहीं कह सकते कि तो अभी मंच साझा करने पर क्यों पहुंच गए थे या कोई अलायंस ज्वाइन कर लिया। 19 तारीख को जो रैली हुई ममता बनर्जी ने जिसमें इनवाइट किया था, वहां क्यों पहुंच गए थे? बिल्कुल बताता हूं, जो इस समय देश की सरकार है, जो सरकार लिंचिंग की, लव जिहाद की, गौरक्षकों की जो सरकार है, जो हर समय कम्युनल डिवाइड क्रिएट कर रही है, उस सरकार के खिलाफ
खड़े होना किसी के साथ भी कोई अपराध नहीं है। इस समय देश की सारी महत्वपूर्ण बड़ी बड़ी पार्टियां इस सरकार के खिलाफ हैं, क्योंकि ये सरकार बेईमान है, ये सरकार चोर है और ये सरकार भ्रष्ट है। सांप्रदायिक है। आप तो किसी एक को रोकने के लिए उन तमाम लोगों के साथ आप अपना गठबंधन कर लीजिए जिन पर आप ही इत्तफाक नहीं रखते थे एक टाइम में। चलिए ठीक है, मैं इसी सवाल के साथ फिर से आपके पास आऊंगी। अनुराग भदौरिया, मुलायम सिंह को लेकर खुले तौर पर भ्रष्ट कहा था अरविंद केजरीवाल ने और कहा था कि ऐसे लोगों को सत्ता से बेदखल करना चाहिए, लेकिन आज जब अखिलेश यादव भी उस मंच पर थे, यानी कि समाजवादी पार्टी उस महागठबंधन में शामिल है, वहां पर अरविंद केजरीवाल पहुंचे, ये बताइए कि महागठबंधन की तस्वीर कैसे साफ होगी आने वाले वक्त में? देखिए, आपको ये मानना पड़ेगा कि देश के अंदर में ऐसी हालत हो गई है कि देश को बचाने के लिए सारे नेता एक साथ आ रहे हैं। इस पर कोई चर्चा क्यों नहीं कर रहा है? इस पे चर्चा होनी चाहिए ना। आखिर क्या वजह है कि देश के सारे नेता, देश की सारी जनता एक साथ खड़ी? इसके मतलब सरकार में कहीं ना कोई दिक्कत है, सरकार देश बेचने का काम कर रही है। अंग्रेजों ने भी यही किया था, तो अंग्रेजों के खिलाफ भी सब एक साथ खड़े थे, वैचारिक मतभेद थे। मैं आपको बता दूं, सुभाष चंद्र बोस में और गांधी जी में वैचारिक मतभेद थे, लेकिन जब देश की लड़ाई लड़ रही थी तो सुभाष चंद्र बोस जी और गांधी जी एक साथ खड़े थे। तो ये देश की लड़ाई है। जब देश को खतरा हो जाए, संवैधानिक रूप से खतरा हो जाए, लोकतंत्र को खतरा हो जाए, जब ईडी, सीबीआई, जजेस, आरबीआई गवर्नर्स अपनी अपनी जगह छोड़ के भागने लगे, उन पर प्रेशर बनाया जाने लगे, तो समझ लो देश के अंदर कुछ तो है, गड़बड़ चल रहा है देश के अंदर में। तब तो खड़ा होना पड़ेगा देश के साथ सबको। इसीलिए सब देश के साथ एक साथ आए हैं कि हमें इस देश को, राष्ट्र बचेगा तो हमारी राजनीतिक होगी, हमारे आपके व्यक्तिगत झगड़े होंगे, हमारे आपके वैचारिक झगड़े होंगे, पहले राष्ट्र रहना बहुत जरूरी है। तो जो भारतीय जनता पार्टी ने लास्ट पांच सालों में जो वादे किए लेकिन कोई कुछ बोल नहीं रहा है। आ रही हूं आपके पास, प्रेम शुक्ला जी। जी, शिरीन जी, देखिए, झूठों, लंपटों और ठगों को एक स्थान पर आने की एक मजबूरी है, उसी का प्राकट्य जो है वहां पर हुआ। और अरविंद केजरीवाल जी राहुल गांधी को कह रहे थे, अंग्रेजों के टाइम भी सब आए थे, अंग्रेजों के सामने तो सब थे। आज राहुल गांधी जो है, भदौरिया जी, भदौरिया जी जरा आप शांत रहे, भदौरिया जी जरा आप शांत रहे, पूरा देश शांत रहे, थोड़ा जल पिए, आपको थोड़ा कष्ट है कोई? ये इस तरह के झूठे जुमले, अनुराग भदौरिया आपके पास आऊंगी, अपनी बात रखिएगा, पहले गर्दब गान करा। चलिए प्रेम शुक्ला जी, प्रेम शुक्ला जी, देखिए, राहुल गांधी पर जब 400 बीसी का केस दर्ज नहीं था, आज तो राहुल गांधी आईपीसी सेक्शन 420 में बेल पर आउट है। जब अरविंद केजरीवाल आरोप लगा रहे थे तब उनके खिलाफ कोई एफआईआर नहीं था, तो जब उनके खिलाफ संवैधानिक व्यवस्था में कोई आपराधिक मामला नहीं था तब उनके खिलाफ आरोपित थे, आज वो बेल पर उनके हिसाब से निर्दोष है। आदरणीय मुलायम सिंह यादव और उनके पूरे परिवार पर डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट केस जो कांग्रेस के जमाने पे चला, आज भी पेंडिंग, और खनन का मामला एक और उनके सामने आ गया है। इसी तरह से फारूक अब्दुल्ला परिवार और बहुत सारे परिवार जिन पर आरोप लगाते थे, और ये केजरीवाल जी ने भारतीय जनता पार्टी के दो नेताओं पर आरोप लगाया असत्य, आदरणीय अरुण जेटली जी और आदरणीय नितिन गडकरी जी, और माफी मांग कर गए, कोर्ट में लिखकर माफी मांगी, जिनसे लिखकर माफी मांगी उनको आज भी ये उन पर आरोप लगा रहे हैं, कोर्ट में लिखकर माफी मांगी केजरीवाल ने, और उन पर आज भी आरोप लगा, और जिन पर आरोप लगाए और आरोप आज तक आरोप से मुक्त नहीं हुए। यही सवाल मैं रवि श्रीवास्तव जी से भी पूछूंगी, वो यूटर्न की बात कर रहे थे ना सर, यही सवाल मैं उनसे भी पूछूंगी। राजनीतिक रूप से जो है स्वयं को संदर्भ में रहना ही मुश्किल है। मुझे बताइए, जब वैचारिक मतभेद है तो क्या पांच साल में भ्रष्टाचारियों की लिस्ट बदल गई, या फिर मजबूरी है कि अरविंद केजरीवाल को वो मंच साझा करना पड़ा? ये दुर्भाग्यवश आजकल जो राजनीति के हालात हैं, आप किसी भी मंच पे देखेंगे तो एक ना एक भ्रष्ट राजनेता जरूर मिलेगा। अगर आप नरेंद्र मोदी के साथ भी खड़े होंगे तो जो है राफेल स्कैम और एए का नाम जरूर उछलेगा। पांच साल में जो एक बदलाव आया है वो आपको ये समझना होगा कि आप जिस अरविंद केजरीवाल की बात कर रहे हैं, वो अरविंद केजरीवाल उस वक्त एक समाज सुधारक के चेले थे और अब वो एक राजनेता हो गए। ठीक है, जब से उन्होंने अन्ना हजारे का साथ छोड़ा है और वो राजनेताओं के साथ आए हैं तो वो वैसे ही बात करने लगे हैं। और विडंबना ये है कि जो है अगर आप देखें पिछले इन जितने लोगों नेताओं पे जो भी भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे वो पांच साल में कोई भी एक भी प्रूव नहीं हुआ है।
सर भ्रष्टाचार के पहले आरोप लगाइए फिर कह दीजिए प्रूव नहीं हुआ है कि क्या रिएक्शन ले लूं पहले फिर आप लोगों के पास दोबारा से मैं आऊंगी। जल्दी से राजीव रंजन जी आपका कमेंट इस पर, आपका रिएक्शन, भ्रष्टाचारियों की लिस्ट 5 साल में बदल गई। देखिए सबसे पहली बात है कि अरविंद केजरीवाल जी एक जन आंदोलन की उपज है, वैकल्पिक राजनीति का दावा करते थे, भ्रष्टाचार को समूल उखाड़ फेंकने का आह्वान उन्होंने किया, लेकिन कोलकाता रैली में जिन लोगों के साथ वो दिखे उनके खिलाफ उन्होंने व्यक्तिगत हमले भी बहुत सारे किए थे। आपने खुद स्क्रॉल के जरिए बताया है कि किन नेताओं के खिलाफ उनकी राय उस समय क्या थी, और आज इस राय में जो बदलाव है उसकी वजह भी दिल्ली की जनता और देश में जहां भी वो चुनाव लड़ने जाएंगे लोग पूछेंगे। देखिए एक बात बिल्कुल साफ है, अरविंद केजरीवाल जी के व्यक्तित्व का जो खोखलापन है वो बिल्कुल साफ आ गया है। दिल्ली में भी उनके मंत्रियों के खिलाफ, कई मंत्रियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे। जिस तरह से उन्होंने दिल्ली के तत्कालीन चीफ सेक्रेटरी के साथ अपने कक्ष में बुलाकर के अशोभनीय व्यवहार किया उससे भी उनकी छवि काफी खंडित हुई है। और कल कोलकाता रैली ने सत्ता की जो बेसब्री और जो बेचैनी और जो हताशा है और जो बौखलाहट उनके अंदर का है उसको बिल्कुल सामने ला दिया। और मुझे लगता है जनता इतनी समझदार है कि बड़बोले रामचंद्रन जी आपका रिएक्शन, जब वैचारिक मतभेद है तो मुझे बताइए कि इस गठबंधन को आगे बढ़ाना आखिर कैसे आसान होगा, या फिर आप कोई भविष्य देख पा रहे हैं इसका? फिलहाल तो कुछ नहीं कह सकते, देखना पड़ेगा कि किस तरीके से ये आगे अपने आप को बढ़ाते हैं। देखिए मेरे ख्याल में एक सबसे बड़ी समस्या इनकी रही है केजरीवाल साहब की कि उन्होंने इनिशियली अपने आप के लिए एक बहुत हाई पेडेस्टल रखा और जिनको वो मान के चलते थे उनको छोड़ना ही पड़ा आखिरकार, और अब वो औरों को भ्रष्टाचारी या जो भी कहें पर उनको 2-3 जगह पे कोर्ट पे जब दूसरों ने केस लगाया इनके खिलाफ वहां जाके अपॉलोजी देना पड़ा और मेरे ख्याल में वो बड़ी स्पष्ट अपॉलोजी थी। मेरे ख्याल में पॉलिटिक्स में ऐसी चीजें तो चलती रहती हैं, हम देखते आ रहे हैं इतने सालों से, और अब उनको भी लगता है कि उन्होंने जो कोशिशें की हरियाणा में पंजाब में कहीं पर उनको जो सक्सेस सोच रहे थे उनको मिलेगी वो नहीं मिली। और बात आज इस बात पर हो रही है, बहस इस बात पर हो रही है कि भ्रष्टाचारियों की जो लिस्ट 5 साल पहले थी वो लिस्ट आखिर अब साथियों की लिस्ट में कैसे बदल गई है, और इसी पर हम बहस भी कर रहे हैं। रवि श्रीवास्तव आपसे मैं एक सवाल जानना चाहती हूँ, और ये मेरा सवाल नहीं है, मैं आपको बता दूं कि अभी मैं अपना ट्विटर हैंडल चेक कर रही थी, उस पर कुछ लोग ऐसे हैं जो आम आदमी पार्टी के समर्थक रहे हैं पहले, वो अब ये पूछ रहे हैं कि भाई ये बताइए कि क्या अब आपको सियासत के लिए भ्रष्ट नेताओं की साथ भी मंजूर है उनका? देखिए सोशल मीडिया पर किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर फॉर और अगेंस्ट ओपिनियन, मैं भी ट्विटर का बहुत बड़ा यूजर हूं, वो चलती रहती है। उसमें कुछ एक जो पार्टी के कुछ लोग समर्थक थे या पार्टी के कुछ लोग समर्थक हैं उन्हें कभी कभी ऐसा लगता है कि अरविंद केजरीवाल ने अपना काम करने का तरीका या अपने काम करने का जो स्टाइल है उसमें कुछ परिवर्तन लिया है, तो ऐसा आपको ट्विटर के ऊपर मिलेगा, ऐसा कोई नई बात नहीं है इसके अंदर। और बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो आपको ये भी कहते हुए मिलेंगे कि नहीं ठीक है अरविंद केजरीवाल जिस बड़े दुश्मन के खिलाफ आज खड़े हुए हैं उसमें किसी के साथ भी हाथ मिलाने में कोई परहेज नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस सरकार ने अरविंद केजरीवाल के साथ कोई ज्यादती करने में कमी नहीं छोड़ी, चाहे वो चीफ सेक्रेटरी वाला मामला हो, चाहे वो सीबीआई की रेड हो, चाहे उनके एमएलएस के खिलाफ कितने ही फर्जी केस इन्होंने बनाए हो, दिल्ली पुलिस ने अभी अभी जो एक चार्जशीट दाखिल की उसके लिए भी परमिशन नहीं ली थी दिल्ली की सरकार से, ऐसी हालत हुई है। तो ऐसी सरकार को और ऐसे मोदी और शाह जैसे लोगों को जिन्होंने देश की हर संवैधानिक संस्था को आज खत्म कर दिया है उसके खिलाफ खड़े होने में, किसी का साथ लेने में मैं नहीं समझता कि किसी तरह की कोई बुराई है। और जो अरविंद केजरीवाल ने रास्ता पकड़ा है वो बिल्कुल ठीक है और यही एक रास्ता है। ऐसा तो नहीं आने वाले टाइम में फिर से माफी मांग लेंगे कि भाई गलती हो गई हमसे, हम उस मंच पर चले गए, बहुत जरूरी है, ऐसा तो नहीं है? इसमें कोई गलती की बात ही नहीं है श्रीन जी, और ये पहली बार नहीं गए हैं, अभी अभी जेडीएस के जो कुमार स्वामी जी चीफ मुख्यमंत्री बने थे तब भी वहां पे सारे नेताओं का मंच पे गठबंधन था, पूरा लोग खड़े हुए थे साथ में, पर इसका ये मतलब नहीं है कि उन्होंने किसी चोर या बेईमान के साथ में हाथ मिला लिया हो, वो एक जो भी एक विरोध जो करने वाला ग्रुप है वो भी उसके सदस्य है। आपने कहा कि मुलायम सिंह को कहा या शरद पवार जी को ये कहा, तो इस सरकार ने क्या किया,
उन्होंने तो कुछ भी नहीं किया। ठीक है, किसी के खिलाफ अनुराग भदौरिया, अनुराग भदौरिया मुझे बताइए, दुश्मन का दुश्मन दोस्त हो जाता है राजनीति में, क्या वही इसका भी लबोलुआब है महागठबंधन का, यही फॉर्मूला अपनाया जा रहा है क्या इसमें भी? देखिए, आपने अभी ट्विटर हैंडल की बात की तो हम भी अभी ट्विटर हैंडल देख रहे थे, उसमें साफ लिख के आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी नेताओं की बात कर रही है, गठबंधन की बात कर रही है, जनता की बात नहीं कर रही है। ठीक है, जनता कहाँ चली गई? असली चीज तो जनता है भाई, आपकी सरकार है, आप जनता की बात क्यों नहीं कर रहे हो? आप तो सर उनका उन पर छोड़ दीजिए ना, क्यों नहीं उनका उन पर छोड़ दीजिए, मैं तो बात कर रही हूँ, क्यों मैं क्यों मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए, क्यों छोड़ दो जनता, जनता जवाब दे देगी ना, छोड़ दें, नहीं नहीं नहीं, जनता जवाब देगी, 2019 का चुनाव बहुत नजदीक है, बहुत नजदीक है, जनता के ऊपर, ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र तभी मजबूत होगा जब जनता मजबूत होगी, बिल्कुल, और जवाब जनता ही देगी, करना चाहते हैं, मैं तो कह रही हूँ सर, मैं तो कह रही हूँ अनुराग भदौरिया, मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए, किसानों ने आत्महत्या की है, बता दीजिए, दुश्मन का सवाल का जवाब दे रहा हूँ, आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ, दीजिए दीजिए, मैंने आपको बोला जब राष्ट्र का कोई दुश्मन होता है तो हम सब एक होते हैं, राष्ट्र का कोई दुश्मन होगा जो राष्ट्र में अत्याचार कर रहा होगा, राष्ट्र की संस्थाओं को खत्म कर रहा होगा, राष्ट्र में जिसने अराजकता फैलाई होगी, नफरत की राजनीति की होगी, जात की राजनीति की होगी, तो हम राष्ट्र के सारे लोग एक साथ खड़े हो जाएंगे, यही तो हमारे हिंदुस्तान की खासियत है, हिंदुस्तान में अंग्रेजी भी हुकूमत आई थी, हम सब एक साथ खड़े हुए थे, जाति धर्म छोड़ के सबने उनको भगाने का काम किया था, मैंने आपको बोला ना गांधी जी में, सुभाष चंद्र जी में और औरों में एक वैचारिक मतभेद थे, लेकिन ब्रिटिश हुकूमत को भगाने के लिए सब एक साथ खड़े हो गए थे, यही वो भारतीय जनता पार्टी ब्रिटिश हुकूमत के रूप में आई है, डिवाइड एंड रूल करना चाहती है पूरे समाज को, पूरे समाज को तोड़ना चाहती है, बाकी तमाम पार्टियों के भ्रष्टाचार आपको अब नहीं दिखा रहे, हमको पट्टी बंधे, प्रेम शुक्ला जी, कोशिश की है, प्रेम शुक्ला जी फेंके गए हिंदुस्तान, ठीक है, आ रही हूं आपके पास वापस, प्रेम शुक्ला जी, जी देखिए इनके पास किसी प्रश्न का उत्तर नहीं है, तो यहाँ वहां की बातें कर रहे हैं, ये कह रहे अभी रवि श्रीवास्तव ने कहा कि सरकार ने किया क्या, लालू प्रसाद यादव की पार्टी कहती है कि लालू प्रसाद यादव जी जो कन्विक्ट हुए हैं वो भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के कारण कन्विक्ट हुए हैं, तो एक अपराधी कन्विक्ट हुआ है तो उस कन्विक्ट अपराधी के साथ में उस पार्टी के साथ में गले क्यों मिल रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी, इसका जवाब दे दें, और आदरणीय अखिलेश सिंह यादव के खिलाफ कार्रवाई होती सीबीआई खनन माफियाओं को संरक्षण देने के आरोप में एक एफआईआर लेती है, उनकी इंक्वायरी की बात शुरू होती है, तत्काल सरकार पर आरोप लगाने लगते हैं, नेशनल हेराल्ड केस में बेल पर राहुल गांधी चल रहे हैं, तो तमाम भ्रष्टाचारियों के खिलाफ जो कार्रवाइयां हो रही हैं, और जिनके मंच पर गए थे उसमें शारदा स्कैम में तमाम लोग जो है 200 लोगों ने आत्महत्याएं कर ली है शारदा स्कैम में, देखिए बीच में चिल्लाइए मत, आप गर्दबकार करना ठीक नहीं, मैं बिल्कुल आपको सुन रहा था, आप कृपा करके डेकोरम मेंटेन करें, मैं भी आपके बीच में बोल सकता हूँ, आप गर्दब है और आप बैल भी है, डेकोरम मेंटेन कर रहे हैं, आप गाड़ी गर्दब डाल करना बंद कर दें, यहाँ पे सबको आता है, पूरे चैनल पे गर्दब डाल गाली मत, आप गाली मत दीजिए, आप प्रश्न पूछो तो उत्तर आप गाली मत दीजिए, सीधे गर्दब डाल करने के लिए इतना प्रश्न का शायद पता नहीं क्या है, आप ये चलाइए उत्तर दीजिए, गर्दब है साहस से पूछा दीजिए, साहस से उत्तर दीजिए, ना आप अपने देश का पूरे देश का आप बताओ क्या आरोप कर दिए, जिससे आप शांति और संयम से सुन नहीं सकते, क्योंकि आपको पता है कि आप भ्रष्टाचारी हैं, आप वंशवादी हैं, आप जो है आपराधिक तत्वों को संरक्षण देने वाले लोग हैं, आप पाकिस्तान से आपके समर्थन में खड़े होते हैं, आपको बेबन के समर्थन में खड़े होते हैं, अफजल गुरु के समर्थन में खड़े होते हैं, टी आर रामचंद्रन जी मुझे बताइए कि किसी एक पार्टी को रोकना है तो तमाम भ्रष्टाचारियों को साथ में लेकर चलेंगे, चाहे उनके भ्रष्टाचार पर आप पहले ही बात कर चुके हो लेकिन अभी आंखों पर पट्टी बांध लेंगे, मजबूरी हो गई है क्या ये? अब देखिए और कोई चारा है उनके पास? मुझे तो नहीं लगता और कोई विकल्प है, अगर वो खुद सब मिलके लड़ते नहीं है रूलिंग पार्टी के खिलाफ तो उनकी हालत और भी खराब हो जाएगी। देखिए ये एक सिर्फ हार और जीत का मसला इस वक्त उभर के आया है, पहली बात तो वो है, दूसरा उनका जो सबसे बड़ा पॉलिटिकल एनिमी कह लीजिए या और कुछ कह लीजिए वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनकी नजरें सिर्फ एक आदमी पे टिकी हुई है कि उसको कैसे हराएं। तीसरी बात ये है कि उनको समझ आ गई है पिछले 4.5-5 सालों में जो मोदी साहब की सरकार है उनकी कंट्रीब्यूशन रही है, उसको तो नकारा नहीं जा सकता। दूसरी तरफ ये भी है कि जो आक्रोश किसानों में है, जो आक्रोश लोगों में है जिसके वजह से नौकरियां नहीं मिल पा रही हैं, और भी जो दिक्कतें हुई हैं उसके अलावा जो गरीब
औरतों के लिए और बाकी लोगों के लिए जो सरकार कर रही है वो अपनी जगह पे है, बट ये आक्रोश पिछले ढाई तीन साल से चला आ रहा है और इसके लिए कोई सोल्यूशन अब तक तो निकला नहीं। तो ग्राउंड लेवल पे कुछ तो है एंग्शियसनेस, और वो सेंटिमेंट जो बीजेपी के लिए 2014 में और मोदी साहब के लिए खासकर थी वो सेंटिमेंट अब नजर नहीं आ रहा। ठीक है, अब आशुतोष मिश्रा मुझे बताइए, क्या मजबूरी हो गई है या फिर जिन्हें भ्रष्टाचारी कहा जा रहा था भाई अब उन्हें बनाना पड़ रहा है क्योंकि 2019 के चुनाव करीब है? श्री, दो तीन बातें आपके सामने मैं रखना चाहूंगा। पहली बात तो ये, आप जिस केजरीवाल की पहले बात करती हैं, जैसे पिछली बार मैंने कहा कि वो अन्ना हजारे समाज सुधारक के साथ थे, अब ये जो केजरीवाल हैं ये राजनेता हो गए हैं तो ये राजनीतिज्ञों की तरह बात करने लगे हैं। इनके साथ दिक्कत क्या है कि ये कांग्रेस और बीजेपी के पार्टों के बीच में घुन की तरह पिस रहे हैं। आप ये देखिए तो ये हर जगह, जहां भी, चाहे दिल्ली हो चाहे पंजाब हो, ये कह रहे हैं कि ये अलग से चुनाव लड़ेंगे, कोई गठबंधन किसी के साथ करेंगे नहीं। तो ये आपको समझना चाहिए कि ये जो है क्षेत्रीय क्षत्रपों के साथ, वहां पे ये गए थे तो ममता बैनर्जी की रैली थी, पहली बात तो ये ध्यान में रखना चाहिए। तो ये वहां उस हिस्से से गए, और जैसा कि अभी रामचंद्रन जी ने कहा और अन्य वक्ताओं ने भी कहा कि वो रैली थी मोदी की तानाशाही और रफेल स्कैम में जो भ्रष्टाचार के आरोप है उसके खिलाफ। ठीक है, वो कोई गठबंधन जो आप जिस तरह से दिखा रही वो नहीं है, क्योंकि वो तो कांग्रेस के खिलाफ भी लड़ रहे हैं बस। और ये समझ लीजिए कि अब ये समाज सुधारक केजरीवाल नहीं है, ये राजनेता केजरीवाल है, और इस तरह के अगर आप, और इसे इसके लिए वो अपने असूलों को भी ताक पर रख सकते हैं। ठीक है राजीव रंजन जी, आपका मैं लास्ट कमेंट लेना चाहूंगी इस पर, क्या ये केजरीवाल का यूटर्न और महागठबंधन में मंच साझा करना, जिसका महागठबंधन जिस पर बन रहा था, क्या ये आपके गठबंधन को नुकसान पहुंचाएगा? किसी तरह की कोई घबराहट या कोई ऐसी चिंता का विषय आपके लिए है क्या? देखिए, सबसे पहले इस रैली को लेकर के बिल्कुल साफ मैं एक बात कहना चाहूंगा, अभी आशुतोष मिश्रा ने भी बता दिया कि कांग्रेस के साथ वो नहीं है, और जिन क्षेत्रीय क्षत्रपों की बात अरविंद केजरीवाल जी को लेकर के उन्होंने कही है, मैं एक बात कहना चाहूंगा, कोलकाता रैली से क्या कुछ साफ आया, बंगाल जहां ये रैली हुई वहां तो वो टीएमसी कांग्रेस और लेफ्ट के साथ उनका क्या रिश्ता होगा ये वो नहीं बता पाए। और पूरे देश में जो परिस्थिति है ये बिखरा हुआ महागठबंधन है, इस गठबंधन में केवल नरेंद्र मोदी जी को गालियां देने के लिए, बिहार जैसे राज्य में नीतीश कुमार जी को गाली देने के सिवाय इनके पास कोई पॉजिटिव एजेंडा नहीं है, कोई रोडमैप नहीं है, लीडरशिप नहीं है, प्रोग्राम नहीं है। और जिस तरह से आपस में इनके हितों का टकराव है, आज बिहार में आरजेडी ने कांग्रेस को कहा है कि वो 5-6 सीटों से ज्यादा नहीं देंगे, इसका मतलब साफ है कि कांग्रेस को हितों का टकराव तो होगा, क्योंकि अपने हितों को साइड में रखकर और महागठबंधन पर आगे चलना कितना आसान हो पाएगा ये बहुत जल्दी साफ हो जाएगा। चलिए, आप सभी खास मेहमान इस चर्चा में शामिल हुए, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बट मेरे पास इतना ही था, फिलहाल इतना ही, बहुत शुक्रिया।